अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बहुत ही टेस्टी ग्रीन चिकन कढ़ाई सिखाऊंगी। इनके लिए जो हमें चाहिए वो ये हैं। 500 ग्राम मैंने चिकन लिया है, दो मैंने प्याज लिए हैं मीडियम साइज़ के, और बारीक बिल्कुल देखे काट लिया है, ठीक है। और 1 टीस्पून मैंने कसूरी मेथी ली है। ये मैंने ग्रीन पेस्ट बनाई है, इसके लिए मैंने 3 हरी मिर्चें ली हैं, 1/2 गठ्ठी मैंने इसके लिए लिया है हरा धनिया और 1/2 गठ्ठी पुदीना, और थोड़ा सा दही डाल के इसको मैंने ग्राइंड कर लिया था और ये पेस्ट बना लिया, ठीक है। 1 कप मैंने दही ली है, 1/2 टीस्पून मैंने गरम मसाला लिया है। इसमें मैंने 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ 2 हरी मिर्चों को थोड़े से पानी के साथ ग्राइंड कर लिया था, और इसमें मैं डालूंगी 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून मैं इसमें डालूंगी ज़ीरा, 2 टेबलस्पून मैं इसमें डालूंगी क्रीम, 1 टीस्पून इसमें डालूंगी सूखा धनिया, 1 टीस्पून सॉल्ट। और ये देखें, मैंने कढ़ाई में चिकन डाली है और इसमें मैंने डालना है प्याज, और ये अदरक लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट ये भी डाल दिया, और इसमें मैं डालूंगी मैं इसको भूनने के लिए छोड़ दूंगी। जब हमारा चिकन भी गल जाएगा और प्याज भी गल जाएगा, फिर हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। अभी हम सिर्फ इसमें चिकन, प्याज, अदरक लहसुन हरी मिर्चों का पेस्ट और नमक डाल के इसको ढक देंगे, ठीक है। ये देखें, ये अब मैंने अच्छी तरह इसको मिक्स किया और इसको मैं मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ दें, ठीक है। चलिए इसको ढक दें और इसको पकने के लिए छोड़ दें। ये देखें, चिकन हमारी गल गई है, और बहुत ज़्यादा नहीं गली होनी चाहिए क्योंकि हमने अभी आप इसको और भी कुक करना है चीज़ें डाल, ठीक है। ये देखें, प्याज हमारा गल गया है। अगर ना गले तो आपने चिकन को निकाल के इसको ग्राइंड कर लेना है, ठीक है। बिल्कुल पेस्ट होनी चाहिए इस तरह प्याज की। अब मैं इसमें आधा जीरा डालूंगी, हाफ में बाद में डालूंगी, मिक्स करेंगे और मैं इसमें धनिया ऐड करूंगी। आंच आप इसकी तेज कर लें। दही डाल के आपने मिक्स करते जाना, ठीक है। दही डाल के आप जब भी अपनी कुकिंग के दौरान दही डालें तो इस तरह मिक्स करते जाए साथ साथ, ठीक है। आप दही डाल के छोड़िएगा नहीं, इसको कुक करेंगे। अब मैं इसमें खाना बनाने वाले 2 चम्मच ऑयल के डाल दूँगी। थोड़ी सी आग से मसल के ना फिर आप डाला करेंगे, इससे खुशबू ज़्यादा अच्छी आएगी। फिर आप मैंने इसको, और मैं इसमें अपनी ग्रीन पेस्ट ऐड करूँगी, जो मैंने हरी मिर्च और हरा धनिया और पुदीना ग्राइंड किया था थोड़े से दही के साथ। कढ़ाई को आप बटन और बीफिन बना सकते हैं, ठीक है। सेम इसी तरीके से पहले आपने प्याज और अदरक लहसुन हरी मिर्ची के साथ बीफ या मटन को गला लेना है, और फिर आप इस तरह ऐसे ही करना है। ये आपकी मर्जी है, आप जिसमें मर्जी बनाएं, ठीक है। चिकन में, बीफ में, मटन में, सब में अच्छी लगेगी। किनारों को इस तरह साथ साथ साफ करते जाया करें। जब इसका पानी खुश्क होने लगे तब मैं इसमें डालूंगी 1/2 टीस्पून गरम मसाला डालूंगी,
आना शुरू हो रहा है। अब मैं इसमें डालूंगी 1 टीस्पून ब्लैक पेपर। इसको थोड़ी देर के लिए ढकूंगी ताकि अगर चिकन में थोड़ी सी हो कसर तो वो कुक हो जाए बिल्कुल अंदर से। अब आपने इसको मीडियम टू लो आंच पे 5 मिनट के लिए रखना है। हमारा ये चिकन अच्छी तरह से भुन चुका है, ऑयल ऊपर आ गया है। अब मैं इसमें लास्ट में जीरा डालूंगी, जो मैंने आधा बचा लिया था वो ऐड किया मैंने। और थोड़ी सी कटी हुई अदरक डालूंगी और बिल्कुल लास्ट में मैं क्रीम ऐड करूंगी, 2 टेबल स्पून क्रीम ऐड करूंगी। ये आपने लास्ट में डालनी है, शुरू में नहीं डालना। जब आपने चूल्हा बंद करना हो ना फिर आपने डालनी है एकदम, फिर ये बहुत क्रीमी बनेगा। जिस भी आप कढ़ाई में डालें एंड में लास्ट में डालें, ठीक है। ये आपके प्याज रखें, अगर आप पहले डालेंगे तो ये पतली हो जाती है, अगर लास्ट में डालेंगे तो ये फिर क्रीमी क्रीमी गाढ़ी रहेगी, ठीक रहेगी। देखिए ये भी हमारा साइड से आ गया किनारों पर, इसका मतलब है हमारा चिकन डन है, रेडी हो गया। आप देख सकते हैं कि हमारी हरियाली चिकन कढ़ाई तैयार है और ये जायके में बहुत टेस्टी बनी है। ट्रस्ट मी, आप इसको एक दफा बनाएंगे तो दोबारा भी बनाएंगे, और ट्राई करके मुझे फीडबैक दें इसका, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।